मरु महोत्सव का दूसरा दिन डिडानसर स्टेडियम में कई सारे यहाँ पर प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें कि कैमल डेकोरेशन कंपटीशन, शान ए मरुधा कंपटीशन, टग वॉर कंपटीशन, पनिहारी मटका रेस कंपटीशन, कैमल पोलो मैच, कबड्डी मैच, कैमल टैटू शो बाय बीएसएफ, बहुत प्रकार की यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। चलिए देखते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल में कैमल पोलो का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर बीएसएफ वर्सेस सिविलियन के बीच में। मरुद्रा का भी अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है निरीक्षण मंडली के द्वारा कि कौन प्रतिभागी सही अच्छे तरीके से तैयार होकर के अपने ऊंट पर तंग कस करके अच्छे से सीट बांध करके वेल डेकोरेट होकर के पूर्णतः जो सबसे पहले इस लाइन को क्रॉस किया उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। वुमन टग वॉर कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है, लोकल वर्सेज टूरिस्ट। उनके पास टेक्निक है और इनके पास जोर था, जोर काम न आया और टेक्निक काम आया और जीत चुके हैं टूरिस्ट। आप सभी की जोरदार तालियां बजे हमारे पुरुष वर्ग की रस्साकशी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहां के लोकल और टूरिस्ट के बीच में बस एक फीट ही लाइन खिसकी है लेकिन वापस यहीं पर आ रही है। अभी भी पलड़ा ग्रामीणों के पक्ष में, ये जीत गए हैं ग्रामीण, यहाँ के लोकल राजस्थानी।
पनिहारी मटका दौड़ का आयोजन किया जाएगा। सामने पनिहारी औरतें खड़ी है और बीच में उनको मटका उठा करके दौड़ना है। पानी नहीं गिरना चाहिए, मटका नहीं गिरना चाहिए और जो सबसे पहले इस एंड लाइन को छुएगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। देखिए विदेशी महिला भी उठाने का प्रयास कर रही है, उठा रही है क्योंकि पता दूर नहीं पा रही है। ये देखिए एक गिरने वाला ऐसा लग रहा है। और ये पार कर लिया है। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इन कलाकारों के लिए लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है।